राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में करीब 10 साल तक सरकार चलाने के बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अचानक टूट गया। अब गठबंधन के टूटने के बाद सियासी गलियारे में सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों तक सहज दिखने वाली बीजेपी जेजेपी से अलग हो गई और गठबंधन टूटा। दोनों दलों में सीट बंटवारे और पेंशन को गठबंधन टूटने की असल वजह बताया गया। लेकिन अब जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों का सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करती है और ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को लात मार देती है। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों के घेराव के दौरान कहा कि मैं पहले भी बीजेपी के खिलाफ था और आज भी बीजेपी के खिलाफ हूं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने जेजेपी का इस्तेमाल किया, क्या बीजेपी सहयोगी पार्टियों का इस्तेमाल करती है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से 4.5 वर्ष तक निभाया, चाहे पंचायत के चुनाव थे, चाहे नगर परिषद पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे कोई तीन तीन बाई इलेक्शन आए, हमने ईमानदारी से उनका हर समय साथ दिया। मैं ही नहीं कहता, जितने भी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तौर पर काम किया है वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चढ़ने के लिए ऊपर तक जाते हैं और बाद में सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं। देखिए, जेजेपी के साथ हमारा ना तो पहले गठबंधन रहा है, मैं पार्टियों गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और ना आज गठबंधन रहा है। हमारा गठबंधन पार्टियों का भी हुआ ही नहीं है। हाँ, सरकार में उनकी भी आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी, हमने मिलकर के सरकार चलाई, सरकार का सहयोग उन्होंने किया, हमने मिलकर के सरकार चलाई, कोई दो मत नहीं है। और आज अलग हुए तो सरकार से अलग हुए हैं, तो ये पार्टियों के गठबंधन का बनने का तोड़ने का तो पहले भी विषय नहीं था, आज भी नहीं है। जे फिर कितने लोगों ने गलती कर ली, फिर तुसी उन्हें ना ले जाओगे, साडे ते गोलियां चला के मारोगे सानू। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलू, मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा, आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। नहीं, ये तो मीडिया, ये तो सब दा सांझा है, थोड़ी गल भी बचाऊगा, साडी भी बचाऊगा। तुसी ये गल किवें खिलाफ वाली केड़ी गल सी उन्होंने, ये तो दसो। मैं तो डट के खिलाफ था, मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ, तुसी बैरिकेड खिलाण क्यों नहीं आए, बैरिकेड खिलाण क्यों नहीं आए, डबल जेते दुशांत अड्ड है, दोनों अड नहीं है, फिर अड नहीं है, मतलब दुशांत नाल दिग्विजय भाजपा नाल कदे है नहीं सी। मैं तो कभी कभी भी नहीं था, दुशांत सीगा, दुशांत भी है नहीं सी, मैडम नैना चटाला सीगे, कोई साथ नहीं, डॉक्टर आनंद सिंह जी फिर है क्या के फिर वोटा ले ले, फिर कम गया करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਕੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ तो आप देख रहे हैं दिग्विजय चौटाला को कि किस तरीके से जब लोगों के बीच में पहुंचे हैं तो साफ तौर पर उन्होंने कैमरे पर भी ये कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आरोप लगाया गया यहाँ पर, और अजय चौटाला जिस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है और उसके बाद जब समय निकल जाता है तो फिर उनको निकाल देती है, अब इसके मायने क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण बेदी जी, स्वागत आपका चर्चा में। रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढुल जी आपका भी स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत है। कृष्ण बेदी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी आप सुन रहे थे और अभी आपने सुना भी होगा कि किस तरह से दिग्विजय चौटाला जो कि जब लोगों के बीच पहुंचे हैं विरोध में, जब लोग उनसे ये कह रहे थे कि भाई आप फिर से बीजेपी के पास चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ पहले भी था और आज भी हूं। लेकिन अजय चौटाला जिस बात को कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने सहयोगियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब मौका निकल जाता है तो फिर आप उनको निकाल देते हैं, इसके क्या मायने, उसको आरोप को कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल पर जुड़े हुए सभी प्रवक्ता साथियों को अपनी ओर से सादर नमस्कार, और जितने भी आपके दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं देश और प्रदेश के, मैं उन सभी का स्वागत भी करता हूं। और ये नवरात्रों का शुभ अवसर चल रहा है, मैया रानी हम सब पर कृपा बनाए, नव संवत्सर की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, अभी आपने बात की थी
कि दिग्विजय सिंह का ये बयान है और डॉक्टर राजय सिंह का ये बयान है और दुष्यंत जी का क्या बयान है और नैना जी का क्या बयान, ये इनके व्यक्तिगत मसले हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। परंतु जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने की है कि इन लोगों का तो बीजेपी का तो उपयोग करना और छोड़ देना ये विषय है, तो मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। डॉक्टर अजय सिंह को याद करना आना चाहिए वो विषय है, वो समय है कि जब ताऊ देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उसमें भी सहयोग था। जब 1982 में पूरे मुकाबले के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ताऊ देवीलाल ने चुनाव लड़ा, किस प्रकार की गतिविधियों के कारण वो सरकार बदल गई रातों रात, परंतु पांच साल तक हमने लड्डट के सिंह के साथ संघर्ष किया और ताऊ देवीलाल को डॉक्टर मंगल सेन जी ने और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने साथ चलकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 85 विधानसभा की सीटें उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर भारतीय जनता पार्टी और ताऊ देवीलाल जी लेकर आए। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हमने 99 में चुनाव लड़ा, 10 की 10 लोकसभा सीटें आई। उसके बाद श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी को गठबंधन में हमने मुख्यमंत्री बनाया, और यदि डिप्टी सीएम बनाने की बात आई दुष्यंत जी को, वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना, नहीं तो 2005 के बाद इन लोगों ने सत्ता का मुंह भी नहीं देखा था, सत्ता के नजदीक भी नहीं गए थे। ताऊ देवीलाल जी को मैंडेट मिला तो पूरे विपक्ष का उसमें सहयोग था, 70 के अंदर सरकार बनी तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा योगदान जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी के उस समय की टीम का था। तो ये लोग यदि उपयोग करके छोड़ने वाली बात थी तो ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा ना लगते। और आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस परिवार को जब जब ताकत मिली है केवल भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर ही मिली है, हमने कभी उपयोग नहीं किया। हमने तो अच्छे सहयोगी के रूप में जब हम जूनियर पार्टनर थे तब भी इनके साथ बढ़िया नहीं, तो कृष्ण बेदी जी अगर उपयोग नहीं किया तो भाई अभी 4.5 साल तक तो आप लोग बढ़िया सरकार चला रहे थे। बार बार जब ये सवाल उठते थे कि भाई गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, तब दोनों तरफ से कहते थे आप लोग कि नहीं गठबंधन में सब सही चल रहा, हम लोग एनडीए का पार्ट नहीं, ये बात भी कही जाती रही। फिर क्या हो गया 4.5 साल के बाद? आपने तो जिस तरह से ये अलग हुआ उसके बाद ही ये मौका दिया कि वो ये कहें कि आपने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब वक्त निकल गया तो सीढ़ी को हटा दिया आपने। यदि आप धैर्य से मेरी बात सुने तो जवाब दूं मैं। हाँ भाई साहब, हेलो। कृष्ण बेदी जी बोलिए। आप यदि धैर्य से बात सुने तो जवाब दूं मैं। नहीं नहीं, मैं तो धैर्य से ही सुन रहा हूँ, लेकिन भाई मेरा सवाल है ना, उसका भी जवाब दीजिए ना भाई। गठबंधन टूट गया आपका, आपने उनको मौका दिया, आपने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसके बाद हटा दिया। सबसे ज्यादा महकमे किस लिए दिए, और फिर भी सबसे ज्यादा महकमे देने के बाद डिप्टी सीएम बनाने के बाद दिग्विजय जी का क्या कब कब
किसी पार्टी को आगे सरकार बनाएगा। आज यहाँ बैठ के बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, चाहे लोकसभा चाहे बाई इलेक्शन की बात करूं मैं, चाहे बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात करूं, चाहे आदमपुर बाई इलेक्शन की बात करूं, चाहे अहलाबाद बाई इलेक्शन की बात, तमाम सीटों पे समर्थन करने का काम किया और इनका साथ देने का काम किया, चाहे पंचायत इलेक्शन की बात करूं, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन की बात करूं, सभी जगह इनके साथ चलने का काम किया। आज अगर आपने अजय सिंह जी का बयान सुनाने का काम किया, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि सभी पार्टियां जैसे कहती हैं वही बात है, बीजेपी वाले सीढ़ी की तरह यूज करते हैं और उसके बाद गिरने का काम करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि किसने डिप्टी सीएम बनाया, डिप्टी सीएम बनाया हरियाणा प्रदेश की 10 विधानसभा क्षेत्र उस जनता ने जिन्होंने उनको ताकत दे के भेजने का काम किया। अगर आप आज कह रहे हैं कि वो बयान गलत दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, तो आप ये पूछिए आपके मनोहर लाल खट्टर जी से, ये पूछिए आप अमित शाह जी से, ये पूछिए आप जेपी नड्डा जी से कि किसने डिप्टी सीएम बनाया। हम तो एक चीज जानते हैं, हम पहले दिन से एक नारा लेके चले थे कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के विजन को लेके जाना है और विजन के साथ उन्हें आगे बढ़ना है और दुष्यंत जी को सीएम बनना है और उसी पे काम आज भी कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ आपने ये तो बता दिया कि दिग्विजय जी ने बयान दिया कि हम सीएम बनाएंगे ऊपर आएंगे, आपने ये नहीं बताया कि गठबंधन में रहते हुए आपके नेताओं ने बारी बारी बयान दिया कि 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे, 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे। आपने जिक्र किया हिसार का, रोक लेते ना आपके प्रभारी के जीजा को, बहन को और भांजे को, क्यों नहीं रुके। आपने जिक्र किया भिवानी का, अब जिता लेना, पता लग जाएगा आज के दिन क्या परिस्थितियां हैं वो सबके सामने है। हम तो एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी मजबूती से पहले भी चुनाव लड़ी थी और आगे भी नहीं, लेकिन ये कैसा गठबंधन का धर्म हुआ विवेक जी, क्योंकि अभी तो हम लोग दिग्विजय चौटाला जी को सुन रहे थे, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं तो बीजेपी के साथ कभी भी नहीं था, तो एक तरफ तो आप उसका हिस्सा भी हैं, आप सरकार भी चला रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी भी हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं जनता में कि भाई मैं बीजेपी के साथ कभी था ही नहीं। अगर हम गठबंधन में थे तो हरियाणा को स्टेबल सरकार देने के लिए थे, हरियाणा में स्टेबल सरकार दी, 4.5 साल तक जो जनता से किए हुए वादे थे उनको पूरा करने का काम किया। ये कैसा सहयोग हुआ ना, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना विवेक जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ कभी थे ही नहीं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम स्टेबल सरकार में गठबंधन के साथ थे, तो ये दो तरह की बातें। मेरे सवाल का जवाब बेदी साहब ने दिया, कृष्ण जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड, पहले विवेक जी साहब ने दे दिया। बेदी साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा और खट्टर साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि पार्टियों का कभी गठबंधन था ही नहीं, दिग्विजय जी का सरकार में कोई योगदान था ही नहीं, वो सरकार के अंदर थे ही नहीं, वो तो पार्टी के नेता थे और वो नहीं मानते थे उनको। हम तो खुल के कहते हैं कि हमारी विचारधारा एक थी कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाना है। अगर सरकार की ये कहते हैं कि सरकार का गठबंधन था तो सरकार का गठबंधन था, उसी का जवाब उन्होंने दिया कि सरकार का गठबंधन था, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी विधायक थे, विधायक दल के नेता थे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। दिग्विजय जी का कहां योगदान, दिग्विजय जी को कहां कोई मैं कहूं कि कोई भी पोस्ट उनके पास थी सरकार के। ठीक है, चलिए रविंद्र डोल जी, क्या आपको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है या मौजूदा परिस्थिति में अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? रविंद्र डोल जी, देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के जो रवैया है इसके बारे में जननायक जनता पार्टी को पहले जानकारी नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जानते थे इनका क्या फेट हुआ। अब जैसे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी ने बड़ा क्लियर से बताया, इन्होंने पुरानी हिस्ट्री भी बताई, इनहरू की और इनके गठबंधन की भी बताई, एक दो चीजें भूल गए कि जैसे कि 2005 के अंदर जो है इनहरू के साथ गठबंधन जो है तोड़ने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी, इन्होंने इनके कुछ विधायकों ने रिजाइन भी दिया था, और उसके बाद में जो है इनके जो प्रभारी थे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाएंगे। 2005 नहीं 2009 का बयान है, 2009 का बयान है, मुझे याद है क्योंकि 2009 के अंदर लोकसभा का चुनाव इनेलो और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ लड़ने का काम किया था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस गठबंधन को तोड़ा था, और गठबंधन को टूटने के बाद में प्रभारी उस समय पर मुझे याद आ रहा है शिवराज सिंह चौहान होते थे हरियाणा के, उन्होंने ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इनेलो को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाएगी, और उसके बाद में दोनों ने लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था, ऐसा मुझे अच्छे से याद है। हरियाणा
मैं उस समय पे नरेंद्र मोदी जी के पास हुआ करता था चुनाव के समय पर, मुझे ये भी याद है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसी चीजों का चौटाला परिवार को नहीं पता, इस बात की कोई संभावना नहीं है। और इन चीजों के बारे में ये भी आज के दिन में बड़ी याद आ गई कि भी सहयोगी पार्टियां ये कहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कह रही थी, सबने सब चीजों को कहा था। हमने भी लगातार डिबेट्स के दौरान इस प्रकार की चीजें जो है बार बार दोहराई थी कि भैया आपको लात लगेगी, लगेगी, मार जाओ, लगेगी, आप किसानों के खिलाफ हो गए, आप बेरोजगारों के खिलाफ हो गए, आपने हर प्रकार से, यानी कि आप समझिए कि किसानों के जो काले बिल थे जिनको नरेंद्र मोदी ने सारे देश के आगे माफी मांगकर किसान भाइयों से माफी मांग के वापस लेने का काम किया। मुझे याद है दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी बिल काला नहीं होता, और अजय चौटाला जी ने भी स्टेटमेंट दी थी उन बिलों के पक्ष में जिन बिलों को वापिस लेते हुए इस देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चला और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी बाकायदा देश के आगे आकर के कि मैं समझा नहीं पाया इन बिलों के बारे में तो मैं वापस लेता हूँ। उस समय पर भी जननायक जनता पार्टी सत्ता के मोह में इतनी ज्यादा लिप्त थी कि भी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टैंड लेने का काम किया, जबकि भाजपा के अंदर के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके अंदर जिन्होंने भाजपा की खिलाफत करी थी इस इशू पे, लेकिन जेजेपी ने कथित गठबंधन धर्म निभाते हुए ये भी नहीं सोचा कि उनका आपका पहला जो प्राइमरी जो वोट बैंक है, रूरल वोट बैंक है, आपका जो किसानों का जो वोट बैंक है, उनको क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो बड़ी चीजें हैं सत्ता के मुंह में आकर के इन्होंने सोचा था कि ये चीजें लंबी चलेंगी, नहीं चली, लात लगी। एक तरह की अवसरवादिता की राजनीति है, और इसलिए चूंकि अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि भाई इस्तेमाल किया, अब सीढ़ी हटा, अब अपने आप को मसीहा दिखाने का प्रयास मात्र है, मसीहा ये बन नहीं पाएंगे। सच्चाई ये है कि इनको हर सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से पता था, और जानते बूझते हुए इन्होंने सत्ता के मुंह में पड़ते हुए इन्होंने सत्ता को हासिल करने का काम किया। ये कह रहे हैं कि भी गठबंधन हमारी मजबूरी थी, कोई मजबूरी नहीं थी श्रीमान जी, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास में थे, 6 इनके पास में निर्दलीय थे, 46 की मेजोरिटी चाहिए। कभी भी किसी भी जगह किसी भी स्टेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के अलायंस की कोई मजबूरी नहीं थी, मजबूरी जेजेपी के साथ ये थी कि हमको किसी भी हालत में सत्ता जो है हासिल करनी है। इन्होंने उस मजबूरी का अपनी दिखाते हुए प्रदर्शन जो है सरकार चलाने का काम किया, और आज जो है इनकी ये हालत है कि जब गठबंधन टूटा इनसे, मतलब सरकार बदली, मुख्यमंत्री हरियाणा के चेंज हुए, इनसे कभी पूछा ही नहीं गया, इनको कोई लेना इनको कुछ भी नहीं बताता। चलिए, बड़ी बात आपने कही, मैं विवेक जी से इसका जवाब लूंगा। मैं अमनदीप जी का रुख कर रहा हूँ। अमनदीप जी, आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इस तरह के स्टेटमेंट हैं कि इस्तेमाल किया गया सीढ़ियों के तरीके से, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को अपने सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो सीढ़ी हटा देती है वक्त गुजरने के साथ, क्योंकि आप लोग भी अलाई रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमनदीप जी, आयुष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित नीति हमेशा रही है पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देने की, और एक अपने आप को स्वयंभू या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये बताने की कि हम स्वर्ण हैं, हम सबसे बड़े हैं, उन्हीं का देश पे राज होना चाहिए, बाकी सब झूठे हैं, ये इनके एक ये कोर सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी के। और उन सिद्धांतों के वजह से ये बात तो निश्चित है कि जब भी ये दूसरी चीज को किसी को भी ये सहन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर जब ये बात आ जाती है मोनोपोली की, या जिसमें मैं कहता हूँ कि पूंजीपतिवाद की, कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, उसके अंदर ये स्वाभाविक बात है, ये नीतियां तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी जो मुद्दा है, अभी जो बात है कि जो पिछली सरकार में ठगबंधन हुआ, देखिए वो हालात और उससे पहले हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ वो दोनों बहुत भिन्न थे। पहले जब भी गठबंधन हुआ, आयुष जी मैं बताना चाहूंगा कि एक कॉमन विचारधारा के साथ, कांग्रेस की के खिलाफ विचारधारा के खिलाफ गठबंधन हुआ, एक कॉमन मुद्दे थे उनके साथ गठबंधन हुआ, और हमेशा जनता के सामने उन कॉमन मुद्दों को साथ हम मैदान में गए। आपने देखा कि पिछली बार का जो गठबंधन हुआ गठबंधन ही था, वो एक व्यापारिक सौदा था जिसके अंदर एक धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग करके आता है, और उसका उदाहरण आज की डिबेट में माननीय पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे सामने है, इनको जजपा के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ना पड़ा और वो जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जजपा जीती है, और उसके बाद
जब दोनों पार्टियां अलग अलग विचारधारा से चुनाव लड़ी, अलग अलग मुद्दों के साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, फिर बात आ गई सरकार बनने पर। सरकार बनने पर दोनों के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम बड़े सिद्धांतवादी पार्टी हैं, हमारे बड़े उसूल हैं, हम इस चीज को मंजूर नहीं करेंगे, उस चीज को मंजूर नहीं करेंगे, उन्होंने भी देर नहीं लगाई। और जैसे कि कृष्ण बेदी जी कह रहे थे कि सारे मोटे महकमे और खाने के लिए दे दिए गए, और खट्टर जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि आप खुला खाइए और इस प्रदेश को खुला लूटिए, आप भी खाइए हम भी खाइए, रल मिल के दोनों इस ठगबंधन की सरकार को चलाएंगे। आयुष जी, पहला सबसे पहला काम वहां पर होना चाहिए था एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, क्योंकि दोनों के वादे अलग थे और इन्होंने अनाउंस किया था, आज तक वो 4.5 साल की सरकार भी चली गई। ये दोनों प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा जजपा के, एक भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक भी वादा ये बता दे कोई मीटिंग हुई हो, क्योंकि मीटिंग तो व्यापारिक समझौते की हुई है कि भैया इतना माल हम खाएंगे समर्थन देने का और इतना माल तुम खाओगे। अब बात आ गई है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर, कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर जो गरीब कमेरे किसान के साथ इन्होंने किया है, वो आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और ये विरोध केवल जजपा का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी बारंबार विरोध है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी जनसभा देख लीजिए, इनको भी घुसने नहीं दे रही। दोनों की जो नीतियां थी पूंजीपतिवाद को बढ़ाने की, और ये चाहते थे कि जो खुशहाल प्रदेश का किसान है उसकी जो बदहाली इन्होंने की है, क्योंकि उसको सारा का सारा जो उसका माल है वो पूंजीपति को बेचना चाहते थे, उस नीति का विरोध आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि नीतियों का विरोध है, लेकिन हाँ ठीक है, अवसरवादिता की आपने भी कहा कि राजनीति, दोनों के लिए सवाल आपने छोड़े, मैं जवाब लेता हूँ। कृष्ण बेदी जी, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, क्योंकि कमोबेश यहाँ पर भी यही लोग कह रहे हैं कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। भाई साहब, मैं तीन लोगों का जवाब देना, साथ में आपका भी जवाब देना है मुझे, तो उतना टाइम रखना पड़ेगा मेरे लिए। जजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के पास कोई सरकारी पद नहीं था, कोई जिम्मेवारी थी नहीं, डॉक्टर राजा सिंह जी के पास भी जिम्मेवारी नहीं थी। परंतु मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को हड़पने का काम किया। मैं एक बात तौर पर कहना चाहता हूं, इनको किस प्रकार से अपना संगठन चलाने की छूट थी, 4.5 साल तक इन लोगों ने रैलियां की, जनसभाएं की, और इन्होंने कहा कि हमने आपको समर्थन दिया, बड़ौदा में भी दिया, आदमपुर में भी दिया, एलनाबाद में भी दिया, यहां तक बिल्कुल ठीक बात है। परंतु मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, गठबंधन सरकार का था, पार्टियों का नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु क्या सरकार से परिवार बाहर था? और इन्होंने कहा कि वो डिप्टी सीएम जो बने हैं वो 10 विधायक जीत के आए थे। भाई, अब मैं आपको एक मौका देता हूं, आप 10 की मीटिंग तो बुला के दिखा दो आज के दिन। 4.5 साल आप सरकार में रहे, तब नहीं आप 10 की मीटिंग बुला सके। आप लोगों को इस प्रकार के बेतुके बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, ना कोई बात है। हमने तो दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम भी माना, सरकार में हिस्सेदारी भी दी, उनके हर प्रकार से उनका साथ निभाया। आपके 10 विधायक ही आपसे भाग रहे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता देखिए, वो प्रतिदिन कोसा करते थे विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, आप इनको चलता करने का काम कर दो, हम आपके साथ खुले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी एक भी विधायक को तोड़ने का काम नहीं किया। दूसरी बात, मेरे भाई रविंद्र ढुल जी बोल रहे हैं, बड़े तर्क के साथ बात कर रहे थे, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, 2005 के विधानसभा चुनाव में हमने गठबंधन हमारा टूट गया। जब ये कहते हैं कि चिमटे से नहीं छुएंगे, वो 2004 की बात थी। 2005 का चुनाव हमने अकेले लड़ा, लोकसभा भी अकेले लड़ा, विधानसभा भी अकेले लड़ा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की भय भूख और भ्रष्टाचार की जो नीति थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से एक आतंकवाद का इन लोगों ने टेरर का राज चलाया, किस प्रकार से मंडियों के अंदर बोरी सीलने का ठेकेदार भी चौटाला की मर्जी के बिना, अभय सिंह की और राजा सिंह की मर्जी के बिना नहीं आता था, किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के विधायकों को अपमानित किया, उस सबसे हमने हटके 2005 में अकेले चुनाव लड़ा। परंतु 2009 के अंदर
केंद्रीय नेतृत्व को जाकर इन्होंने पांच पांच पर लोकसभा का समझौता किया। हमने कार्यकर्ताओं ने फिर भी बर्दाश्त किया। हरियाणा की इकाई बिल्कुल सहमत नहीं थी, केंद्रीय नेतृत्व ने मनाया, परंतु 2009 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और आडवाणी जी के बारे में चौटाला जी ने क्या शब्द कहे, ये रविंद्र ढुलजो को भी पता होगा और ये नल्लो के प्रवक्ता को भी पता होगा। अब रही बात दूसरी, उन्होंने बयान दिया कि आडवाणी जी के चेहरे को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा यदि बीजेपी के नेतृत्व के चेहरे को लोगों ने पसंद नहीं किया तो हम भी चौटाला को पसंद नहीं करते। वो गठबंधन टूटा। उसके बाद से लेकर आज तक ये लोग जहां पूरे देश की राजनीति का ताऊ देवीलाल जी फैसला करते थे, पूरे विपक्ष का नेतृत्व करते थे, आज एक एक वोट के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा कृषि प्रदेश की बात कर रहे हैं, कोई कृषि प्रदेश का किसान आप लोगों को मुंह लगा रहा क्या? बीजेपी का विरोध है, जेजेपी का विरोध नहीं है, ये बीजेपी का भी विरोध है कि आपकी नीतियां ऐसी थी कि जनता अब आप विरोध कर रही है उस चीज। अजय सिंह चौटाला को कितने लोग भूलने में तोड़ रहे हैं, 150 दिन की पद यात्रा की, किसी ने पानी तक नहीं पिलाया आप लोगों को। कृषि प्रधान देश की बात करते हो, आपसे ज्यादा किसान हमारे साथ है, पूरे देश का किसान बीजेपी के साथ है। आप लोगों ने जिस प्रकार की दिंगा मस्ती करके इस हरियाणा प्रदेश की शकल बिगाड़ी है, आज आप एक एक वोट के लिए तरस रहे हैं, एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। कभी आप डीएसपी के दरवाजे पे जाते हैं, डीएसपी छोड़ के भागती है, आम आदमी के दरवाजे पे जाते हैं, आम आदमी छोड़ के भागती है, आप लोगों को पसंद करने के लिए तैयार नहीं। और आज तो ठीक है, लेकिन कृष्ण बेदी जी मुझे एक बात बताइए, कृष्ण बेदी जी मेरा एक सवाल है, कृष्ण बेदी जी मेरा एक सवाल यह है कृष्ण बेदी जी आपने सबकी बातों का जवाब दे दिया। मेरा सवाल यह है, अभी भी तो आप बिना जननायक जनता पार्टी के सहयोग के सरकार प्रदेश के अंदर चला ही रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा इतनी ही खामियां थी तो फिर उस गठबंधन की आवश्यकता क्या थी? कोई खामी नहीं थी, मेरे नेतृत्व का फैसला था और वो सही फैसला था। जननायक जनता पार्टी को जितना सम्मान देना था उससे हमने कहीं पलटू देने का काम किया। एक हमारे नेता को कोई बयान नहीं है पूरे 4.5 साल के अंदर, एक हमारे विधायक का बयान नहीं है, एक हमारे किसी मंत्री का बयान नहीं है। और अभी बोल रहे थे इनेलो वाले कि बेदी जी जजपा के कैंडिडेट के सामने चुनाव हारे, 5 साल के अंदर कोई एक शब्द हमारे मुंह से निकला हो। हमने गठबंधन धर्म का पूर्ण सम्मान किया, परंतु इनके विधायक इनको छोड़ के भाग गए, सबसे पहले इनके परिवार के लोग छोड़ के भाग गए। आज ताऊ देवीलाल जी के नाम पर पूरे देश के अंदर आंधी चला करती थी और आज केवल अहलाबाद और अमन भाई ने थोड़ी सी कड़वी बात कह दी कि चुनाव आ रहे थे जेजेपी के एमएलए के सामने, उससे थोड़ी तकलीफ भी हुई बेदी साहब को। अमन भाई को पूरी बात का नहीं पता, सिर्फ विधानसभा का नहीं आ रहे थे, ये तो एमसी का चुनाव भी आ रहे थे। आज के दिन हम एक चीज जानते हैं, हमने ये कह रहे हैं मौका देता हूं और आप करके दिखाइए, मीटिंग करके दिखाइए। अरे आप मौका देने वाले हैं कौन? आपकी कैपेसिटी क्या है मौका देने की? मौका देने की बात आप मनोहर लाल खट्टर जी से पूछिए, जो साथ बिठा के और सारे फैसले लेने के काम किया करते थे। आज आप यहां बैठ के कह रहे हैं कि इनकी तो खिलाफत होगी, इनका ये हो गया। खिलाफत तो फील्ड में उतरेंगे, आपको पता लग जाएगा किसकी क्या हो रही है। हम एक चीज जानते हैं, या अभी मैं सुन भी रहा था, अरविंदर ढोल भाई ने भी कही एक बार कि बीजेपी ऐसे करती है और बीजेपी वैसे करती है, इनका समझौता नहीं था, इनका तो मतलब का वो था। इतनी बीजेपी बुरी है तो आपने भूपिंदर हुड्डा जी से क्यों नहीं पूछा, उन्होंने क्यों बीजेपी को वोट डाली थी राज्यसभा चुनाव में 2016? वो टीवी इंटरव्यू में कह चुके। आज यहां बैठ के तो कहना आसान है, जेजेपी ने कोई बीजेपी के अकेले विरोध में नहीं मांगी थी, जेजेपी ने तो सभी पार्टियों का विरोध था, जेजेपी खुद एक पार्टी है। मैंने आपको भरपूर समय दिया, आपने जवाब दिया, देखिए इस तरीके से नहीं, कोई फायदा नहीं, इस तरीके से कोई फायदा नहीं, ना आपकी बात आ रही ना उनकी बात आ रही। अभी विवेक जी का समय, कृष्ण बेदी जी अभी विवेक जी का समय।
अरे कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, थोड़ा धैर्य रखिए भाई, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए भाई, अगर आप सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करते धैर्य रखिए, सुनिए पहले सुनिए, अभी विवेक जी का समय, अभी विवेक जी का समय है, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, अरे कृष्ण बेदी जी सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए, आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए विवेक जी, कृष्ण बेदी जी आपकी बात आ गई अभी ठीक है, अभी विवेक जी का समय है, आपने आपको मैंने पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रख ली, अभी विवेक जी का समय है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कृष्ण बेदी जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी विवेक जी का समय है, कृष्ण बेदी जी सुनिए पहले, सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए सुनिए कृष्ण बेदी जी सुनिए, अरे कृष्ण बेदी जी बचा के रखिए थोड़ा सा, अभी बचा के रखिए, अभी बचा के रखिए, अभी समय है चुनाव में, अभी सुनिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए विवेक जी, विवेक जी कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी ऐसे नहीं, कृष्ण बेदी जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनिए कृष्ण बेदी जी, अरे भाई आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम सुनने का मादा रखिए, कृष्ण बेदी जी सुनने का मादा रखिए, ऐसे नहीं, अनवरत नहीं, अनवरत बोलने का कोई फायदा नहीं है, कृष्ण बेदी जी सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, जब आरोप लगाते हैं तो सुनने का धैर्य रखिए, कृष्ण बेदी जी सुनने का धैर्य रखिए, अरे कृष्ण बेदी जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, विवेक जी, विवेक जी कृष्ण बेदी जी देखिए इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आप सुनिए पहले विवेक जी, नहीं नहीं अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बात क्यों कर रहे हैं, कृष्ण बेदी जी भाई सुन लीजिए, कृष्ण बेदी जी इतने आरोप लगा रहे हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिए ना भाई, सुनने का भी धैर्य रखिए, नहीं नहीं कोई जुलम नहीं है बेदी साहब, आगे भी लगिएगा, आगे भी आ रहिएगा, कोई जुलम नहीं है, हम नहीं कह रहे कोई जुलम है, कृष्ण बेदी जी बार बार देखिए आप केवल एक ही सवाल को बार बार दोहरा रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है, उसका जवाब तो आने दीजिए भाई, सुनिए आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है, सुनिए सुनने का मादा रखिए, कृष्ण बेदी जी सुनने का मादा रखिए भाई, आरोप लगाते हैं अगर किसी के खिलाफ कोई बात आप कहते हैं तो उसको सुनने का भी मादा होना चाहिए ना, और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, आरोप लगा रहे तो सुनिए, कृष्ण बेदी जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे चर्चा में नहीं बैठा जाता, चर्चा में बैठने का एक डेकोरम है, आपने आरोप लगाया उधर से जवाब आने दीजिए, आपको मैं समय दूंगा, आप जवाब दीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कृष्ण बेदी जी, ऐसे नहीं, ये चर्चा डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए सुनिए कृष्ण बेदी जी, सुनिए सुनना पड़ेगा कृष्ण बेदी जी, सुनना पड़ेगा भाई, अगर आरोप लगाएंगे तो, आप आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग भी नहीं बोलने देंगे, विवेक जी विवेक जी विवेक जी, अरे कृष्ण बेदी जी भाई आपके समय में भी ऐसे बोलेंगे, आपकी बात भी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये समय की खराबी है, ये समय की खराबी है कृष्ण बेदी जी, ये समय की खराबी है, ये समय की खराबी है, आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं विवेक जी, मैं तो फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि अरे सुन लो फैक्ट ही सुना रहा हूँ, सुन लो बेदी साहब सुन, मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, आपके पास सारे फैक्ट है, विवेक जी मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ, ये फिर भी इसलिए बोल रहे हैं, इनको म्यूट कराने का काम कीजिए, ठीक है विवेक जी आप बात करिए, रोज का बीजेपी का वही काम होता है, डिबेट किल करनी होती है, टाइम किल करना होता है और कुछ नहीं, इनके मंत्री कह चुके हैं जेपी दलाल जी, अगर आज अरे कृष्ण बेदी जी भाई आप सुनेंगे नहीं तो कैसे आएगा जवाब, खाली बोलते रहेंगे क्या, सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे ना, यहाँ और लोग भी हैं कृष्ण बेदी जी, यहाँ और लोग भी हैं बोलने के लिए, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे कृष्ण बेदी जी, फिर मुझे मजबूरन आपको म्यूट करवाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, विवेक जी अभी विवेक जी विवेक जी विवेक जी आप हमें ना बताइए, आपका सिटिंग एमपी भाग गया, उसे नहीं सौंपा गया, किसको बताया, भाई का जिज्जा बैर भाड़ सारे भाग गए, वो नहीं सौंपेगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपका तो रिश्ता, आप वापस निशान दीजिए, कृष्ण बेदी जी देखिए, कृष्ण बेदी जी आपके समय में ऐसा ही इंटरप्शन आएगा, आप एक भी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एक भी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाएंगे,
कोई फायदा नहीं है ना, आप सुन नहीं रहे कृष्ण बेदी जी, आप सुन नहीं रहे, आप चर्चा खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। इस तरह से चर्चा होती नहीं है कृष्ण बेदी जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए उधर से क्या बात आ रही है, अपने समय में आप उसका जवाब दीजिए। कृष्ण बेदी जी ऐसे नहीं होता है, कृष्ण बेदी जी ऐसे होता ही नहीं है। इस तरीके से चर्चा में बैठने का मुझे आपको डेकोरम सिखाना पड़ रहा है, आपको चर्चा में बैठने का डेकोरम ही नहीं पता है कि कैसे बैठना है और क्या आपको बात कहनी है। आप इस तरीके से अनवरत बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। आप सुनिए, सुनिए पहले कृष्ण बेदी जी, सुनिए, आरोप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनिए विवेक जी। आयुष भाई, इनसे आज के दिन सीनियर इनके मंत्री जेपी दलाल जी भी कह चुके हैं कि गठबंधन करना हमारी मजबूरी थी। और साढ़े चार साल, अरे उनसे पूछ के आइए, उनसे पूछ के आइए। मैं नहीं कहा, मैं कोट कर रहा हूँ जेपी दलाल जी को। अगर आपको कटिंग चाहिए, न्यूज़पेपर की कटिंग मैं भेजने का काम आपको करूंगा। आज के आज अरे जो अमित शाह जी को आप गद्दार कह रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कह रहे हैं, नहीं नहीं कृष्ण बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, मुझे लगता है कि शायद आप शायद फैक्ट सुनना नहीं चाहते, आप फैक्ट सुनना नहीं चाहते। मैं ये फिर मान के चलूंगा कि जो वो बात कह रहे हैं उस बात में पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, इसलिए आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। या तो आप सुनिए, आप सुनिए, आप अपने समय में जवाब दीजिए भाई। उधर से बात आने देंगे कि नहीं? आप एक एक बात पे काउंटर करेंगे तो आपकी भी बात नहीं आ पाएगी। आयुष भाई ऐसे ही डिबेट चलेगी। विवेक जी, आज के दिन किसानों का बारी बारी जिक्र किया है। मैं बताना चाहूंगा, अगर 14 फसलों पे एमएसपी देने का किसी ने काम किया तो जननायक जनता पार्टी और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। अगर किसानों के खाते में, अरे आपने लेकिन विवेक जी भाई देखिए, ये बात तो सही है ना भाई, इसमें तो सरकार भी थी ना, आप सरकार के साझेदार थे। सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने, ऐसा नहीं है कि 14 फसलों पर दे दिया जाके एमएसपी, उसमें तो सरकार ने भी दिया ना भाई, क्रेडिट दोनों लोग लेंगे उसका। ऐसे नहीं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आयुष भाई, 2019 से पहले क्यों नहीं दे ली? लेकिन विवेक जी एक सवाल जो उठा, विवेक जी एक प्रश्न जो उठा कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बारे में आपको पता नहीं था या इस प्रदेश के अंदर जानते नहीं है। ये बात रविंद्र जी ने भी कही, अमनदीप जी ने भी कही। अगर आपको ये पता था कि इस तरह से सहयोगी का इस्तेमाल करके उसके बाद सीढ़ी की तरह हटा देंगे तो आपने उनके साथ गठबंधन क्यों किया? ये सवाल तो उठेगा। और ये आरोप लग रहा है कि आपको सत्ता में अपना हिस्सेदारी चाहिए थी, आप सत्ता के भागीदार बनना चाहते थे इसलिए आप चले गए, और जब वो गठबंधन टूट गया तो आपको खामी नजर आ रही है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक चीज पहले कह चुका हूँ, अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कह चुका हूँ कि जनता के साथ जो वादे करके हम चुनाव में गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए हम सरकार में आए। अभी मेरे भाई अमन केसरी जी भी कह रहे थे कि इन्होंने कोई कमेटी बनाई हो, तो मैं बताना चाहूंगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके जो हेड बनाए गए थे, वो आदरणीय अनिल विज जी बनाए गए थे। और अनिल विज जी ने बारी बारी मीटिंग्स भी करने का काम किया, और उसी के तहत अगर 75% कानून की मैं बात करूं जो विधानसभा में पास कराया गया, तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की मौजूदगी में वो भी किया गया। अगर मैं 50% आरक्षण महिलाओं के लिए जो पंचायती राज कोटे में दिया गया वो भी किया गया। अगर मैं 33% आरक्षण महिलाओं के लिए राशन डिपो में जो दिया गया वो भी किया गया। तमाम मुद्दे वो थे जो हमने जनता के साथ वादे किए थे और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने पूरा करने का काम किया। अगर 5100 पेंशन की बात बारी बारी की जाती है, हमें पीस है, ठीक है, 2000 से 3000 ने जाने का काम ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है ना। रविंद्र डोल जी, रविंद्र डोल जी, ठीक है, रविंद डोल जी, पूरी बात 10 सेकंड लूंगा आयुष भाई, मेरा टाइम किल किया गया, मैं 10 सेकंड लूंगा। आज के दिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ किया, 2019 से पहले कितनी फसलें खरीदी जा रही थी एमएसपी पे वो बताने का काम किया जाए। अदर स्टेट्स में कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है, चाहे राजस्थान का जिक्र कर ले, चाहे और किसी स्टेट का जिक्र कर ले, वो बताने का काम किया जाए। और 72 घंटे फिर 48 घंटे के अंदर कितनी स्टेट्स में किसानों को पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में भेजी गई, ठीक है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट तो नहीं मिलेगा ना भाई। वो तो जब आप साझेदार हैं तो वो तो क्रेडिट वो भी लेंगे ना, कहेंगे हम भी तो भाई सत्ता में है ना, ठीक है। डोल साहब, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, वही बात बीजेपी प्रवक्ता भी करेंगे ना, लेकिन एक आदमी क्रेडिट ले ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। डोल साहब, मजबूरी नहीं थी, लेकिन हाँ ये स्टेबल सरकार देने के लिए और हम जिस मोटिव के साथ आए थे वो हमने पूरा किया, ये बात अभी भी कह रहे हैं विवेक जी। डोल साहब, इनका जो मोटिव था एक ही था, वो था सत्ता में आना।
इनका कोई दूसरा मोटिव नहीं था। यदि मोटिव होता तो 75% आरक्षण जिस प्रकार से बनाया गया तो जाकर के कोर्ट में खारिज नहीं होता। और गजब देखो, कंप्लिसिटी इतनी गजब की थी कि इतने महत्वपूर्ण मामले के अंदर हरियाणा के महाधिवक्ता जो है रिप्रेजेंट भी नहीं करते हरियाणा सरकार को, जबकि ये दावा करते हैं कि भी हम जो है उस आरक्षण को जो है बचाना चाहते थे कोर्ट में। इनकी इतनी मंशा होती इनकी कथित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन की बात थी वो भी आती। मुझे याद आता है कि जब दुष्यंत जी ने कहा था कि भी मैं गांव के अंदर से जो है ठेके में बंद कर दूंगा, वो बड़ी पॉपुलर एंड वायरल वीडियो थी, वो वायरल स्पीच था। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से गाँव के अंदर इन्होंने उनको बंद करने का काम किया है। मैं पूछना चाहूंगा कि अब की बार जो है जमुना पार कितने के लोगों को इन्होंने भेजने का काम किया है, ये वो भी बताने का काम करे, तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती। बड़ा गजब तरीके से इन्होंने आरोप लगा दिए किसके ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर। इनको ये नहीं बताया कि 2016 के अंदर हुड्डा साहब ने वोट ही नहीं डाले थे, और वो मीडिया के सामने ये कहा था कि मैंने वोट नहीं डाला, और इस बारे में मैंने सोनिया गांधी जी को क्लियर कर दिया था कि मैं इस चुनाव के दौरान वोट नहीं डालू। इनको नहीं पता तो मैं इनको बता दूं, लेकिन ये देखो ना कितने गजब के लोग है, इन्होंने गठबंधन किया है आज रविंद्र भाई कटिंग भेज लूंगा होने का। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज है भाई, इतने गजब के लोग हैं, इन्होंने गठबंधन अब किया है अलग होने का गठबंधन है, इकट्ठे चुनाव लड़ने का नहीं, अलग लड़के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद में ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपके एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। इनके एक भी जननायक जनता पार्टी के एक भी नेता ने किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट से रिजाइन नहीं दिया, सभी के सभी चेयरमैन है आज के दिन में भी। मुझे नाम बताएं कि कौन से, क्या राजेंद्र लितानी जी, सुमित राणा जी जो हैं और भी नेता जो हैं, क्या वे हरियाणा सरकार में आज भी चेयरमैन हैं या नहीं, हाँ या ना? यदि नहीं है तो दो दिन पहले दुष्यंत जी के, मैं राजेंद्र लितानी जी उनके घर गए थे, दुष्यंत जी प्रेस नोट पढ़ रहा था, फलाना फलाना के चेयरमैन के घर दुष्यंत चौटाला जी गए। हरियाणा सरकार के आज भी जननायक जनता पार्टी हरियाणा सरकार में हिस्सेदार है। हाँ, विपक्ष में रहने का ढोंग जरूर कर रही है, लेकिन सरकार का सपोर्ट बैकग्राउंड से आज भी चल रहा है। ये आज भी इन्होंने जो गठबंधन किया है वो अलग होने का गठबंधन है, ताकि जनता को मूर्ख दोबारा से बना करके एक दूसरे के साथ चुनाव लड़के एंटी इनकमेंसी वोट को थोड़ा बहुत बांट के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बड़ी बात आपने कह दी अमनदीप केसरी जी। आयुष भाई जवाब नहीं, मैं आ रहा हूँ विवेक जी, मैं अमनदीप जी एक सेकंड, अमनदीप जी 30 लोगों की लिस्ट दूंगा मैं, ठीक है जी। आयुष जी, अमनदीप जी, रविंद्र ढूल जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जानबूझ करके हो रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जी। आयुष जी देखिए, मैं उन बातों पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ना ही इतने गंभीरता में, क्योंकि हरियाणा की जो लोगों की भलाई का विषय ये है ही नहीं, हरियाणा का ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो तथाकथित पार्टी, अमनदीप जी चलिए अमनदीप से शायद मुझे लगता संपर्क कट गया। विवेक जी, आयुष भाई जी जवाब दीजिए सवाल मेरे, ये अभी भी आप टीम की तरह काम कर रही है, सिर्फ नहीं मैं बताना चाहूंगा जो सवाल मेरे भाई रविंदर ढूल जी ने किया, इनको मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने नाम लिया सुमित राणा जी का, राजेंद्र लतानी जी का, मैं इनको और भी नाम बता देता हूँ। कुलदीप मुल्तानी जी हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, उनकी जगह आज बीजेपी ने किसी और को बिठाने का काम किया है, आपको पता होना चाहिए। सुमित राणा जी की जगह आज किसी और को बिठाने का काम किया गया बीजेपी द्वारा, आप पता कर लीजिए। राजेंद्र लितानी जी का आपने नाम लिया, इनको भी हटाने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। हम एक चीज जानते हैं, हमारी जो भी बात है वो साफ स्पष्ट है, ये नहीं है कि हाँ विरोध कांग्रेस विरोध बीजेपी का करो और वोट भी बीजेपी को करो। अभी भाई कह रहे थे कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हुड्डा साहब ने कहा कि सोनिया गांधी को बता के उसकी कटिंग चाहिए होगी, भाई मैं कटिंग भेजने का काम करूंगा, आपको कटिंग भी देने का काम करूंगा, जहां हुड्डा साहब ने मना कि मैंने बीजेपी को वोट डाली। आज अभी कह रहे थे कि कितने गांव में ठेके बंद कर दिए, ठेकों की अगर बात करते हैं तो इसी बात पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दुष्यंत जी ने बारी बारी कहा कि जो भी गांव लिख के देगा और उनकी आबादी लिख के देने का काम करेगी, उस वहां पे ठेके बंद करने का काम किया जाएगा। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए उसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने का काम करूंगा। अभी मैं तो एक चीज जानता हूं, अभी बेदी साहब भी बोल रहे थे बार बार एक ही बात होती है,
भूपेंद्र हुड्डा को एक चीज दिखती है कि जेजेपी सोते जागते उठते बैठते आज के दिन बीजेपी नहीं उन्हें नजर आ रही, उनको नजर आ रहा है दुष्यंत चौटाला। कारण क्या है? डर ही उसी से। उनको डर यह है कि आज अगर कोई सबसे बड़ा उनका दुश्मन है तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी है। कारण उसका क्या है? वो एक विजन लेके चला है, वो एक विजन लेके चले हैं और उसी विजन के तहत ठीक है आज विवेक जी आप भी कह रहे हैं कि डर की वजह से ठीक है अमनदीप जी ठीक ठीक है आपकी बात है। एक सेकंड अमनदीप जी कनेक्ट हो चुके हैं। अमनदीप जी जी आयु जी जी देखिए आयु जी बड़ा ही बुनियादी सवाल था, मैंने पहले भी उठाया था, आपके सवाल का उत्तर उसी में है कि भैया दोनों पार्टियों ने आज तक भी जब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े तो आप किस मुद्दे पर इकट्ठा हुए वो जवाब ना तो कृष्ण बेदी जी दे पाए ना जजपा के प्रवक्ता दे पाए। दूसरी बड़ी बात दे दिया अभी 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 जो आपने सवाल किया जो रविंद्र ढोल भाई भी कह रहे थे तो उसका जवाब तो ये है कि जितने भी अभी तक मीडिया के बयान सरकार टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला जी के आए हैं उन्होंने भी इस बात को नकारा नहीं है। हालांकि हर जो है पत्रकार ने बार बार ये सवाल पूछा कि कल को फिर से अलायंस होगा भाजपा के साथ, आप भाजपा में जाएंगे, उनको उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नहीं नकारा। और भाजपा की तरफ से भी शायद अमित शाह जी का बयान आया था अगर मैं नहीं गलत हूं कि भैया हमारा तो बड़ा जो है मित्रतापूर्ण जो अलायंस टूटा है, हमारे बीच में कोई मतभेद ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये बात हो भी सकती है आयुष जी। खैर ज्यादा गहराई में इस बात की पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता के सामने ये दोनों पार्टियां बेनकाब हो चुकी हैं। आज आप जनता में बात करेंगे ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे इनकी बात करें जेजेपी वालों की या बीजेपी वालों की बात करें। आपने देखा ना कि किस प्रकार से कृष्ण बेदी जी दावा ठोक रहे थे कि सारे विधायक हमारे साथ थे लेकिन हमने फिर भी नहीं उनको छोड़ा, तो कुछ ना कुछ तो आपसी खिचड़ी होगी ना कोई तो समझौता व्यापारिक होगा कि जो जिसका कारण जो बने हुए थे कि ना तो विचारधारा मिलती है ना मुद्दे मिलते हैं ना वादे मिलते हैं ना कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे आपने कहा तो उन्होंने बताया भी कि भाई देखिए अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी, उसकी मीटिंग भी बता रहे थे, कह रहे आधे से ज्यादा वादे भी पूरे कर दिए, 5500 पेंशन वाली जो बात थी वो मामला पूरा नहीं हो पाया, बस बाकी तो उन्होंने किया वो ऐसा बता रहे हैं। वो सर देखिए एक बात है कि अगर आप जो महकमे मांगते हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो जब जनता के हित की बात आती है या उनका कोई वादा पूरा करवाना था वो पूरा नहीं होता तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये कौन सा गठबंधन था कि अपना स्वयं का हित हो वो तो फटाफट पूरा हो जाता था लेकिन अगर कोई दूसरे का हित हो जैसे कि अभी रविंद्र ढोल जी भी बता रहे थे चेयरमैन चाहिए कोई बड़ा पद चाहिए कोई लाभ का पद चाहिए वो फटाफट पूरे हो जाते थे लेकिन जहां जनता के हित की बात आती थी वहां ये कहते थे कि अड़चन आ रही है हमारे दोनों के बीच में कोई बात नहीं बन पा रही है हमारे मन में टीस है। तो देखिए एक ना ये मजाक जनता के सामने जो इन्होंने किया दोनों पार्टियों ने और जनता अभी बिल्कुल इंतजार कर रही है चुनाव का और जनता भी इनके साथ मजाक करेगी वोट डालने के समय ये बुरी तरह से। कृष्ण बेदी जी रविंद्र ढोल जी ने एक बात यहाँ पर कही इस चर्चा में कि ये आप लोग जो गठबंधन आप लोगों ने तोड़ा ये भी दरअसल एक तरीके का पैक्ट है आप लोगों का और ये सिर्फ दिखावे के लिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है, आप लोग अभी भी साथ हैं। कृष्ण बेदी पहले तो मैं इनेलो के प्रवक्ता का जवाब दे दूं क्योंकि बीच में मैं डिस्कनेक्ट हुआ रविंद्र ढोल जी की पूरी बात को मैं सुन नहीं पाया। अब इन्होंने कहा है कि जनता भी इनके साथ मजाक करेगी, कहीं 10 सीटों पर कहीं नाम लेने वाला कोई इनेलो का है नहीं, कोई कैंडिडेट इनके पास है नहीं, कोई बात नहीं चीतनी, वैसे ख्याली पुलाव बढ़ा के बैठी है। दूसरी तरफ कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, एक सीट अरविंद केजरीवाल को दी, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया, 9 सीटों पे इनका कोई रास्ता ही नहीं बन रहा, पूरे देश के अंदर कहीं 50 से ज्यादा कांग्रेस की सीट नहीं आ रही, परंतु रविंद्र ढोल जी पूरी दुनिया का ज्ञान यहां बैठ के बखान करेंगे। गांव के अंदर कोई इनकी इकाई नहीं है, जिले में कोई इनकी इकाई नहीं है, हल्के का इनका कोई प्रधान नहीं है, शुरू होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जाके खत्म करेंगे दीपेंद्र हुड्डा पे, दीपेंद्र हुड्डा से शुरू होंगे आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा पे जाके समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद इनकी कोई दुनिया नहीं है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है, इन एलो का कहीं 3 में ना 13 में एक एलाहाबाद को छोड़ के वो भी जो हालात बने थे हमें पता था किस प्रकार के, नाम लेवा बचा नहीं है। मजाक करेंगे लोग बीजेपी का, मजाक करेंगे नरेंद्र मोदी जी का। अरे धन आप लोगों के वक्तव्य को और इतना बढ़िया ज्ञान आप दे रहे हो, ऐसे ज्ञान से तो दुनिया निहाल हो जाएगी भाई, पहले घर में कोई भ्योंत बना लो
कोई दो चार वर्कर इकट्ठे कर लो, परंतु जो जुलम जातियां आप लोगों ने की, जो जुलम जातियां आप लोगों ने जो जुलम जातियां की हैं, वो लोग आज तक नहीं भूले हैं। किस प्रकार के अत्याचार लोकदल के टाइम के अंदर जनता के ऊपर हुए हैं, किसानों के ऊपर हुआ, कंडेला का कांड भूल गए, आज आप किसान हितैषी होकर दिखा रहे हैं। अरे आप लोगों को तो एकमात्र विधायक ने इस्तीफा दिया 5000 चुने हुए प्रतिनिधियों में, और आपके भावी सांसद एकमात्र विधायक ने इस्तीफा दिया था 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि थे। जब था आपके पास एक आते मेरे पीछे हो, कोई है ही नहीं कहानी कहीं पे, कोई नाम लेवा हरियाणा में बचा नहीं कोई, कोई आपके पास कुरुक्षेत्र जिले का अध्यक्ष बता दो कौन आपका, आपके नीचे कार्यकारिणी कौन सी है? अरे अध्यक्ष मैं बता देता हूँ, जिनके घरों पे आप जाते हो वोट मांगने वही तो अध्यक्ष है। अरे जिनके घर में आप वोट मांगने जाते हो वही अध्यक्ष है। आपके भावी सांसद कहीं आपको बिना बात में ये टीवी डिबेट ला के नलों को जिंदा करने वाली बात है, कोई गांव में सुनने वाला नहीं, कोई आपको पहचानने वाला नहीं आपके। लेकिन कृष्ण बेदी जी वो तो कह रहे हैं कि आप लोग का विरोध हो रहा है, आप लोग को गांव में जाते हैं तो आपका विरोध होता है। मैं एक और बात बताता हूँ, कृष्ण बेदी जी एलनाबाद के अंदर इनके पदाधिकारी विरोध कर रहे थे बीजेपी का, इन एलो के पास कोई काम नहीं बचा, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा, कोई गांव में इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इनको चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं। 5 आदमी खड़े होंगे किसान की ड्रेस पहनेंगे, इन एलो के पदाधिकारी वहां पे जाकर किसान की ड्रेस कौन सी होती है ये आयु जी, किसान की ड्रेस कौन सी, आप लोग वाले अपनी करतूतों के साथ खत्म हो, आज आप लोगों को उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं पूरे प्रदेश के अंदर। जिस भी पार्टी का विरोध होता है वो यही कह देता है कि भाई वो किसी दूसरी पार्टी के लोग हैं या उनके कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है,50 सीट भी आपके आने वाली नहीं, यहाँ पर आप बैठ करके इन लोगों को पार्टी के बारे में बता रहे हैं। रविंद ढुल जी जल्दी से रिएक्शन, एक कोई बात नहीं, ये तो भाई साहब लड़ ही 150 सीटों पर है पूरे देश के अंदर। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं ना कृष्ण बेदी जी, आपका सवाल आ गया ना, मैं उस पर एक रिएक्शन ले लेता हूँ। एक सेकंड रविंद्र ढोल जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रविंद्र ढोल जी ठीक है। अरे भाई वो जनता तय करेगी ना इनकी 50 आ रही है कितनी आ रही है, वो जनता तय करेगी। रविंद्र ढोल जी आप भी बताने से नहीं होगा ना, ये तो जनता तय करेगी ना, ऐसा तो रविंद्र ढोल जी आपके बारे में बता देंगे। ठीक है रविंद्र ढोल जी, अतुल जी 325 से ऊपर सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है, 400 के आसपास सीटों पर भाजपा लड़ने का काम कर रही है, 34 पार्टियों का गठबंधन है, एनडीए अकेली भाजपा नहीं है यहाँ पे, इसी प्रकार से हमारा भी अलायंस है, इनका भी अलायंस है, हमारा भी अलायंस है। नेशनल लेवल पे ना भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है ना कांग्रेस लड़ रही है, ये जो बातें इनके द्वारा की, इन्होंने कितना गजब लिए कन्वीनियंटली कह दिया, इनके कैंडिडेट छोड़ छोड़ के भाग गए। अरे मोदी जी के गुजरात में दो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ने से मना कर चुके हैं, एक कैंडिडेट ने भाजपा की टिकट के ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर लड़ने से मना किया है, और ये कांग्रेस को ज्ञान दे रही है सत्तारूढ़ पार्टी। गजब देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के जो है उम्मीदवार पार्टी की टिकट छोड़ करके तो दो मेंबर पार्लियामेंट ज्ञान कांग्रेस को दिया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश ज्ञान कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो इनको मैं बता दू, इनको बता दू कि राजस्थान में भी आपकी टिकटें चाहिए कम से कम, मैं तो 7 से 8 सीटों का तो मुझे पता है, जहां पे अलग अलग जगह पे इनके कैंडिडेटों ने टिकट छोड़ करके भागने का काम किया या फिर इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है, क्योंकि कैंडिडेट ने लड़ने से मना कर दिया। आज इनके एक वेस्ट बंगाल के इनको कैंडिडेट ने आज निर्दलीय पर्चा भरा है इनकी टिकट के ऊपर लड़ने से मना किया है, क्या ये फैक्ट नहीं है? ये मतलब ये कहने की चीजें अलग होती है, आप लोगों ने कितने कितनी डेट तक, क्या ये फैक्ट नहीं है? चलिए ठीक है, आज टिकटों पर चर्चा नहीं थी, हालांकि आप लोग के गठबंधन पर थी, लेकिन अब देखना ये है कि इसको जनता किस नजरिए से देखते हैं और इसके इंपैक्ट क्या होंगे। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये राजनीतिक बयानबाजियां और तेज होती जाएंगी। लेकिन हाँ, गठबंधन के साथ ही रहे, गठबंधन टूटने के बाद अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये फैसला जनता को करना है कि आखिर इसके मायने हैं क्या। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।